जहांगीर का एक कॉइन था जिसे जोडियाक इश्यूज कहते हैं, जिसे बाद में शाहजहां और औरंगजेब ने मेल्ट करवा दिया क्योंकि उसमें फिगर्स बने हुए थे। एक कॉइन था जो कि था हजार मोहर, हजार मोहर समझ लीजिए 10 kg सोना। जहांगीर की बहुत आदत थी, वो अपनी फोटो वाली कॉइन्स गिफ्ट करते थे। तो इनिशियली जो कॉइन्स थे जो सल्तनत के दौर पे थे वो टंका कहते थे उसे, जो सिल्वर कॉइन होता था। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, पर जो कॉइनेजेस है वो ब्रिटिश रूलर के नाम पे ही मिंट होते थे। तो मोहम्मद बिन साम जब आए यहाँ पे तो उन्होंने जो बगदाद में खलीफेट थे उनको लेटर भेजा कि हमने जो है इस्लाम का जो परचम है वो हिंद पे लहरा दिया, और एक तरफ जो है वो कॉइन मिंट कर रहे हैं जिसमें वो गॉडेस लक्ष्मी का फोटो और संस्कृत में उनका नाम लिखा हुआ है। जो आज है वो आने वाले कल के लिए इतिहास होगा, कुछ तस्वीरों से बयां होगा तो कुछ किताबों में दर्ज किया जाएगा और कुछ इन सिक्कों की तरह किसी बॉक्स में सजाकर रखा जाएगा। लेकिन हर किसी से जुड़ी होगी एक नायाब कहानी। इन सिक्कों की कहानियों को सुनने के लिए स्विच पहुंचा शाह उमर के पास। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मैं एक क्रिएटिव एजेंसी रन करता हूँ, और साथ ही साथ आई एम ऑल्सो इन टू हिस्ट्री। तो मैं हेरिटेज वॉक्स करता हूँ, हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और मैं कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ। न्यूमिस्मैटिस्ट, आई स्टडी कॉइन्स। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मैं कॉइन्स का एक्सपर्ट हूँ। मैं शुरू से ही बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा नर्डी था, तो मुझे लगता है कि मेरा जो रुझाव था वो हमेशा उस तरफ ही था। और मुझे ऐसा लगता है लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। आप भी देखोगे, आप रोड से जाते रहोगे, आपको कुछ दिखेगा, आपके मन में आएगा कि वो क्या है। तो आई हैव स्टडीड मार्केटिंग, अब मुझे पता है कि गैप फिल कैसे करते हैं। सो मैं वहाँ पे फिट इन होता हूँ, वेर आई ब्रिज द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट टू द कॉमन पीपल। न्यूमिस्मैटिक जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर सिर्फ क्वीन विक्टोरिया के ऊपर एक स्टडी कर सकता हूँ, और वो उसमें भी मुझे कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे पढ़ने में। तो हमारी क्या आदत है कि हम हमेशा न्यूमिस्मैटिक मतलब कॉइन्स को एज अ मटेरियल हिस्ट्री देखते हैं कि वो एक मटेरियल है, चांदी में बना था, उसका ये वैल्यू था 1 रुपया, से सोने में बना था 1 मोहर, और यहीं ख़त्म हो जाता है। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो कॉइन है ये उस ज़माने का जो हिस्ट्री है वो ब्रिज करता है। वो जो नॉन टैंजिबल हिस्ट्री होता है वो इस टैंजिबल हिस्ट्री के थ्रू हम सीख सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी राजा ने एक कॉइन मिंट किया, और वो राजा कॉइन मिंट करने के 2 महीने बाद मर गए। तो उन्होंने सिर्फ 2 महीने मिंट किया, तो उनके कॉइन्स की रेयरिटी बढ़ गई। जब रेयरिटी बढ़ी तो उनके कॉइन्स की वैल्यू बढ़ गई। रेयरिटी के भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। वो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जहांगीर का एक कॉइन था जिसे जोडियाक इश्यूज कहते हैं, जिसे बाद में शाहजहां और औरंगजेब ने मेल्ट करवा दिया क्योंकि उसमें फिगर्स बने हुए थे, एंड एज पर इस्लाम फिगर्स होना ऑन कॉइन्स वॉज नॉट परमिटेड। सो वो जब मेल्ट हुए तो वो रेयर हो गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, रेयरिटी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। सो कॉइन्स की जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि पहले तो बार्टर सिस्टम होता था। अब बार्टर सिस्टम में यूजुअली क्या होता था, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता था। आपने मुझे 5 kg गेहूँ दिया तो मैं उसके बदले में आपको 10 kg दाल दे सकता हूँ, मैं अगले बार बोलूँगा मैं सिर्फ 2 kg दूंगा। स्टैंडर्डाइजेशन तो हो नहीं रहा। तो कॉइन्स का जो पूरा मोटिव था वो स्टैंडर्डाइजेशन था, एंड स्टैंडर्डाइजेशन हैपेंड थ्रू प्रेशियस मेटल। तो वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के थ्रू हुआ। कॉपर सबसे कम डिनोमिनेशन वाला, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। आप इंडिया में अप अंटिल 1939 फुल सिल्वर के 1 रुपये यूज होते थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो वो ब्रिटिशर्स ने हाफ सिल्वर कर दिया। 1947 से जो कॉइन आना शुरू हुए वो निकल, फिर स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सारी चीज़ें हुई। तो जो उसका जो फेस वैल्यू था वो घट गया। तो आज के टाइम पे जो हम कॉइन्स और बैंक नोट, आप बैंक नोट भी देखेंगे, प्रॉमिस टू पे द बेरर होता है। वो कभी भी ये नहीं लिखा होता कि वो नोट का वैल्यू है। पहले आप 100 साल पहले अगर आप 1,000 रुपये चांदी के सिक्के में लेकर इस देश से दूसरे देश भी गए तो उसका वैल्यू चांदी का ही होता था।
अभी आप 1,000 का नोट लेके यहाँ से दूसरे देश जाओगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज अगर मॉनिटरी एक्सचेंज नहीं है तो। इंडिया में देखिए सबसे पहले जो चीज़ है कि इंडिया की जो रेयरिटी होती है वो हमेशा हमें ब्रिटिश म्यूजियम में मिलती है, तो जितनी भी रेयर चीज़ें हैं ज़्यादातर वो आपको यूरोपियन म्यूजियम्स में मिलेंगी। तो जैसे मेरी एक्सपर्टाइज मुगल कॉइनेजेस पे है, तो मैं उस पर बात करूँगा। जो जोडियाक कॉइन के बारे में मैंने बात किया, तो वो जोडियाक कॉइन्स पूरे के पूरे 12 जोडियाक ऑन गोल्ड वो ब्रिटिश म्यूजियम में हैं। बहादुर शाह जफर के कॉइन्स थे, वो मेल्ट कर दिए गए थे 1857 में। उन्हें कभी अलाउ ही नहीं किया गया था कि सर्कुलेटरी कॉइन्स बनाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खुद के कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो उनके जो सेरेमोनियल कॉइन थे वो भी मेल्ट कर दिए गए थे, तो वो भी बहुत कम पीसेस हैं, वो बहुत रेयर है। करोड़ों में हुए, एक रिसेंट एक ऑक्शन हुआ था कुछ साल पहले, उसमें वो करोड़ों में गया। रेयरिटी ऑफ द रेयरिटी की अगर हम बात करें, तो जो सबसे मतलब हमारे न्यूमिस्मैटिक फील्ड की सबसे बड़ी रेयरिटी है, वो एक कॉइन था जो कि था 1,000 मोहर का। 1,000 मोहर समझ लीजिए 10 kg सोना, ठीक है। वो जहांगीर ने मिंट किया था और वो जहांगीर के कोर्ट पे था, और उसके बाद उसकी कहानी है, फिर वो किस तरह हैदराबाद पहुंच गए, फिर हैदराबाद से वो कहां गया, कुछ कहते हैं कि वो स्विस बैंक में है, मतलब अलग अलग कहानियां हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो कहेंगे, बट वो हमारे न्यूमिस्मैटिक फील्ड का कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कॉइन फ्रॉम इंडिया है। आप समझ लीजिए वो 1,000 मोहर है, तो वो ऐसे ही एक मोहर 10 ग्राम का होता है, तो 1,000 मोहर सीधा सीधा 10 kg सोना हो गया, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि वो क्या ही वैल्यू होगा। ऊपर से वो जहांगीर का मिंट किया हुआ, वो उसको हम सर्कुलेटरी कॉइन नहीं बोल सकते हैं। वो एक तरह से कॉइन मिंट किया गया था, तो पुराने ज़माने में राजा जो होते थे वो अपने नोबलमैन को, अपने फैमिली को गिफ्ट करते थे, कॉइन्स गिफ्ट करते थे। जहांगीर की बहुत आदत थी, वो अपने फ़ोटो वाले कॉइन्स गिफ्ट करते थे, अपने फ़ोटो वाले पेंटिंग्स, छोटे मिनिएचर पेंटिंग्स गिफ्ट करते थे। तो ये शायद उसका ही एक पहलू था जहाँ पे उसे बनाया गया था, और वो सिक्के उनके नोबल या उनके फैमिली में से किसी को गिफ्ट किया गया था। एक बहुत मोहम्मद बिन साम की एक कहानी है बहुत फेमस, कि वो जब इंडिया पे मतलब कि इधर अटैक किया, तो वाया भटिंडा उन्होंने अटैक किया, और भटिंडा को उस समय ताबर हिंद कहा जाता था, द गेटवे ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं, ताबर हिंद द गेट। तो मोहम्मद बिन साम जब आए यहाँ पे, तो उन्होंने जो बगदाद में खलीफे थे उनको लेटर भेजा कि हमने जो है इस्लाम का जो परचम है वो हिंद पे लहरा दिया काफिरों के ऊपर। और सिमिलरली यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप एलियन लैंग्वेज है आपका, आपका एलियन सब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन साम के कॉइन्स मिंट हुए हैं वो गॉडेस लक्ष्मी के साथ हुए हैं। तो गॉडेस लक्ष्मी एक तरफ वो लेटर भेज रहे हैं कि हमने काफिरों को मार दिया, और एक तरफ जो है वो कॉइन मिंट कर रहे हैं जिसमें वो गॉडेस लक्ष्मी का फोटो और संस्कृत में उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये है बड़ा, हाँ ये सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। मैं मोस्टली जो कॉइन कलेक्ट करता हूँ उसमें मुगल कॉइन्स होते हैं, अवध के थोड़े बहुत कॉइन्स हैं। मुगल में भी स्पेसिफिकली मैं दिल्ली के कॉइन कलेक्ट करता हूँ क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। तो दिल्ली जो था वो मुगल्स ने इनिशियली जो कॉइन्स मिंट किए वो दिल्ली के नाम पे होते थे। शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बनवाया, तो उसके बाद के सिक्के आने लगे वो शाहजहानाबाद के नाम पर आने लगे। तो वो शाहजहानाबाद और दिल्ली के नाम पे जो सिक्के हैं वो मोस्टली मैं अपने पास मतलब वो कलेक्ट करता हूँ। तो वहाँ आप समझ लीजिए हुमायूं से लेकर अकबर शाह टू, जो बहादुर शाह जफर के फादर थे, क्योंकि मैंने कहा बहादुर शाह जफर के कॉइन्स तो बहुत रेयर होते हैं, और बाबर ने दिल्ली से सिल्वर कॉइन्स वैसे मिंट नहीं किए थे, तो वो हुमायूं से लेकर अकबर शाह टू तक के कॉइन्स हैं जो कि मेरे पास हैं। तो आप जैसे ये कॉइन्स देखेंगे तो आप यहाँ से बिल्कुल लेट्स से शुरू हो गए, यहाँ पे शाहजहाँ है, औरंगज़ेब है, मोहम्मद शाह है। इसमें कुछ रेयर कॉइन्स भी हैं, जैसे ये जो कॉइन है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आखिरी सर्कुलेटरी कॉइन्स बोलते हैं इसे, अकबर शाह टू के नाम पर मिंट हुए हैं। ये जो आप कॉइन देख रहे हैं ये अकबर शाह टू के नाम पर सर्कुलेटरी कॉइन है ये जो मिंट हुए हैं। सिमिलरली ये है मोहम्मद इब्राहिम के नाम पर, इन्होंने कुछ दिनों के लिए ही कुछ हफ़्तों के लिए रूल किया था, ये उनका कॉइन है, बहुत रेयर होता है। और सिमिलरली ये है आलमगीर टू, इन्होंने भी रूल किया था, इनके ज़माने में काफ़ी फेर बदल हुई थी दिल्ली में। इनकी जो मौत है वो फिरोजशाह कोटला में हुई थी, एक सुरंग है वहाँ पे उसके नीचे। तो ये कहानियाँ हैं जो ये जैसे जहांगीर है, हमने जहांगीर की बात की, ये जहांगीर का कॉइन है। कुछ और कॉइन्स हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। अब जैसे हम कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली इन फेमस है बहुत ज़्यादा, दिल्ली में अटैक करने के लिए उन्होंने कई बार दिल्ली अटैक किया, लूटा, पर वो जब अटैक कर रहे थे तो उन्होंने एट द सेम टाइम यहाँ पे कॉइन्स भी मिंट किए, क्योंकि उनको अपने सोल्जर्स को पे करने हैं, एक तरह से उनको अपना एक
फाइनेंशियल इकोसिस्टम चलाना है। तो ये जो आप कॉइन देख रहे हैं, ये अहमद शाह अब्दाली की कॉइन है जो उसने दिल्ली में मिंट की थी। तो ये एक तरह से इट्स अ इनफेमस हिस्ट्री थ्रू अ टैंजिबल पीस दैट यू आर सीइंग हियर, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात नहीं थी, वो बहुत बुरी बात थी। काफ़ी लोग मरे, काफ़ी चीज़ें बर्बाद हुई, काफ़ी चीज़ें यहाँ से पर्शिया लेके चले गए, पर कॉइन मिंट कर गए। तो ये वो कॉइन है, ये जो है ये रुपी है, ये सिल्वर रुपी। आप जितने भी कॉइन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिल्वर रुपी है। इसकी जो हम रुपया कहते हैं, ये वही चीज़ है। मुगल जो थे वो दिल्ली के, अगर हम कॉइनेजेस की बात करें तो इनिशियली जो कॉइन्स थे और जो सल्तनत के दौर पे थे वो टंका कहते थे उसे, जो सिल्वर कॉइन होता था। फिर जब मुग़ल आए तो वो शाहरुख ही मिंट करने लगे। एक बादशाह थे सेंट्रल एशिया में जिनका नाम था शाहरुख, उन्होंने जो तिमूर के फैमिली से थे, तो उन्होंने अपने नाम पर ये शाहरुख ही शुरू किया। 4.5 ग्राम का होता था पीटा हुआ सिल्वर का। तो शाहरुख ही, बाबर ने शाहरुख ही मिंट किए, हुमायूं ने थोड़े साल शाहरुख ही मिंट किए, कुछ शाहरुख ही अकबर ने भी मिंट किए इनिशियल फेज में। शेर शाह जो है उन्होंने स्टैंडर्डाइज़ किया मॉनिटरी सिस्टम, हर चीज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने। तो उन्होंने रुपी इंट्रोड्यूस किया शेर शाह ने। तो बाद में मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि अकबर इज़ ग्रेट बिकॉज शेर शाह रूल्ड बिफोर हिम। सो वो जो मॉनिटरी सिस्टम थी वो अकबर ने फॉलो किया, रुपया वाली, रुपया दमड़ी दाम ये वाली, तो ये चलते गया। बट समवेयर अराउंड 1950s जब हमारा जो मॉनिटरी सिस्टम है वो रुपया टू पैसा हो गया, कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, और उन्होंने अपना जो कॉइन मिंट किया है वो अपने सोल्जर्स और एम्प्लॉयज़ को मिंट करने के लिए, तो वो कॉपर कॉइन्स मिंट करते थे। बिकॉज सिल्वर रुपी जो होता है वो हमेशा इम्पीरियल मिंट से निकलता था। तो 1835 में क्या हुआ कि ब्रिटिश, उससे पहले भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुगल एम्परर शाह आलम के नाम पर कॉइन्स मिंट कर रहे थे, और वो 3 प्रेसिडेंसी से मिंट हो रहे थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब ये जो है वो मॉनिटरी यूज़ में आ रहा था। फिर दे रियलाइज कि दे वांट टू मिंट देयर ओन कॉइनेजेस, तो उन्होंने 1835 से विलियम द फोर्थ जो उस टाइम इंग्लैंड के रूलर थे उनके नाम पर मिंट करना शुरू किया। नाउ जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि ये एक प्राइवेट एंटिटी है जो इतनी बड़ी कंट्री के कॉइनेजेस मिंट कर रहे हैं। फिर हुआ रिवॉल्ट 1857 का, जो भाग दौड़ थी वो कंपनी के हाथ से इंपीरियल हाथों में चले गए। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो एम्प्रेस विक्टोरिया बन गई, क्योंकि यहाँ पे तो बादशाह होते थे। तो फिर जब वो रॉयल मिंट के हाथ पे गया तब वो स्टैंडर्डाइज ब्रिटिश कॉइनेजेस आने लगे जो कि हम यूज़ करते थे, तो वो मिंट होते थे। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया यहाँ पे, तो उनके बैंक नोट्स आने लगे, पर जो कॉइनेजेस है वो ब्रिटिश रूलर के नाम पे ही मिंट होते थे। तो शुरू हुई थी विलियम द फोर्थ के नाम से, फिर विक्टोरिया आए, फिर विक्टोरिया के बाद एडवर्ड 7 आए, फिर जॉर्ज 5 आए, फिर जॉर्ज 6 आए, और जॉर्ज 6 के बाद आई इंडिपेंडेंस, तो फिर हमारे वो नॉर्मल कॉइन्स आने लगे। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको कॉइन कलेक्शन शुरू करना है तो सबसे इजीली अवेलेबल चीज़ जो है वो होती है कोमोमेरेटिव कॉइन। आपने भी देखी होगी कोई 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के होते हैं उसके पीछे कुछ अलग सा बना होता है, जैसे कि कोई सेंटेनरी का हो गया या किसी फ्रीडम फाइटर के बर्थ का, वो सबसे ईजी वे है कलेक्ट करने का। आपको वो दिखे, आप कलेक्ट, वो आपका जो शौक है वो इग्नाइट करेगा वहाँ से, बिकॉज यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग। आपको आइडिया होने, गूगल में उसकी लिस्ट आ जाती है इंडिया ने अब तक कितने मिंट किए, आप वो देखते रहो, जो भी आपको सिक्कों में वो मिलता रहे आप उसको साइड रखते रहो, आपका एक कलेक्शन साइड से बन रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मेरे पास लेट्स से ऑलमोस्ट 2 या 3 जो रेयर वाले हैं कोमेमोरेटिव कॉइन्स, उसको छोड़ के मेरे पास सारे कोमेमोरेटिव कॉइन्स हैं जो इंडिया में आज तक मिंट हुए। मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया उस पर, मुझे जो सर्कुलेशन में मिलता था मैं उससे निकाल लेता था, उसको देख लेता था, किसी ने घर पे गुल्लक तोड़ा, गुल्लक से फट से निकाल लिया उसमें क्या क्या है, उन्हें उसके बदले में नॉर्मल वाले रुपए दे दिए। तो ये सबसे इजी वे है, और मैं हर किसी को कहता हूँ कि अगर आपको कलेक्शन का शौक है तो वहाँ से कलेक्शन शुरू करें।